ये रिश्ते ही आपको नहीं रखेंगे अगर आप कुछ नहीं होंगे। आपके घर में आपकी इज्जत नहीं रहनी अगर आपने कुछ नहीं बनाया। ये माशरे का नॉर्म बता रहा हूँ, इसका कुरान हदीस से ताल्लुक नहीं है। कुरान हदीस पे तो अगर ये माशरा होता तो अल्लाह कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह यत्काकुम, जो तकवे में सबसे ज्यादा है इज्जत और तकरीम उसको देनी है। मैं तो आपके माशरे की बात कर रहा हूँ। आपके माशरे के अंदर अगर आप कुछ घर में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आपके माशरे के अंदर अगर आप घर में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आपने अपना कुछ बनाया हुआ नहीं है, आपने मेहनत नहीं की हुई, आपने इल्म नहीं हासिल किया हुआ, आपने अपने पर वर्किंग नहीं की हुई, आप मुझे बता देना सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी आप? आप साइड किक होंगे या मेन स्ट्रीम होंगे? आप लाइमलाइट होंगे या साइड किक्स होंगे? या तो इस माशरे में जीना बंद कर दें और दरवेश बन के आ जाएं मस्जिदों के अंदर और बैठे रहें फिर वहां पर एक अपने दीनी हलके के अंदर, और सबसे अच्छी दोस्ती और सबसे अच्छी रिश्तेदारी और सबसे अच्छा ताल्लुक ही हुब्बुलिल्लाह बुग्ज़ुलिल्लाह के लिए। लेकिन आप कहते हैं कि भाई मैंने जीना भी दुनिया में है, मैंने दुनियादारों में ही रहना है, मैंने मामलात भी इन्हीं के अंदर रखने हैं। शेख साहब कोई ऐसा कोई हल बताएं, ऐसा कोई वजीफा बताएं कि मेरे ये मामले ठीक हो जाएं। ये कैसे ठीक हो जाएगा? दुनिया तो आपको नहीं बख्शेगी, दुनिया तो आपको लेवरेज नहीं देगी, दुनिया तो देखेगी भाई कपड़े क्या पहने हुए हैं, खाना क्या खाया हुआ है, ये माल क्या किया हुआ है, वो क्या बनाया हुआ है, माल कैसे किया हुआ है, प्रोडक्टिविटी क्या है आपकी, आपके तजर्बात कितने हैं, कितनी जंगें जीती हैं, कितनी सल्तनतें बनाई हैं। तो या तो दुनिया छोड़ दें, और अगर दुनिया का मुलहजे खातर रखना है तो उसके अंदर भी आपको दुनिया के अंदर भी और दीन के अंदर भी दोनों के अंदर एक्सीलेंस तक पहुंचने के लिए आपको आपको फजूल से बहुत बचना है। इन इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का बाब है ये। इफेक्टिवनेस ये कि आपने कम रिसोर्सेज में कर जाना है, और एफिशिएंसी ये है कि आपने जाया किए हुए करना है। तो रिसोर्सेस को जाया किए हुए आदमी तब चीजें करता है जब उसका तजर्बा होता है, और तजर्बे तब किए होते हैं जब वो वक्त लगा रहा होता है, और वक्त तब लगा रहा होता है जब उसके अंदर उसकी सीरियसनेस और संजीदगी उसके खून में उतरी होती है कि अगर नहीं करूंगा तो वक्त कल को मुझे मौका नहीं देगा। ये जो आपका सवाल है ना कि भाई अगर मैं नहीं करूं, तो पहली बात तो अगर आप नहीं करोगे तो वो कैसे छोड़ देगा आपको? जिनके लिए आप कह रहे हो भाई मैं रिलैक्स हो जाऊं, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूं, कर लें। लेकिन अगर आपको मैं अपनी जिंदगी के माशरती तजर्बे से बता रहा हूं, अगर आप नहीं करेंगे, वो ही नहीं आपको मुंह लगाएंगे कल, उन्होंने नहीं साथ बिठाना आपको, वो कहेंगे यार फारिग आदमी है साइड में करो, पता नहीं कल को कुछ मांग ही ना ले, पता नहीं कल इसका तो आता ही कुछ नहीं है, इन्होंने तो इलम भी नहीं है, तजर्बा भी नहीं है, ह्यूमर भी नहीं है, इन्होंने आंदा ही कुछ नहीं है। तो वो एक लेवल तक एक एज आपकी उन हुसन को कबूल कर लेती है जो 17 से 21 साल की होगी। लेकिन जैसे उसने इवॉल्व करना है, उसकी जजमेंट के क्राइटेरिया और सक्सेस के मेजरमेंट के क्राइटेरिया बदलेंगे, वो आपको उठा के फेंक देगा। ये दुनियादारी की बात। हाँ, दीनदारी दोस्ती के अंदर तो ये भाई उसने अल्लाह के लिए आपसे प्यार करना है, अल्लाह के लिए दोस्ती करनी है, अल्लाह के लिए दुश्मनी करनी, वो तो इस माशरे को चाहिए नहीं ना, वो तो इसका सेंटर ही नहीं है। दूसरी ऑप्टिमाइज आइडियलाइज वर्जन नहीं है कि अल्लाह की खातिर होनी चाहिए सारे मामले। दूसरी बात हम यही कह रहे हैं कि बात वही कि भाई अगर मैं थोड़ा सा ले लूं, मैंने आपको अनवाइंड करने को, रिलैक्स करने को, ब्रेक करने को का ही कुछ की ये मसला नहीं है। हम तो कहते हैं रिश्ते हो, ताल्लुकात हो, घूमना हो, फिरना हो, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन इंसान की जिंदगी इतना सख्त सफर है हसन कि अगर उसके अंदर माइनसिंग विजन, मकसद की ताजीम, मकसद की तकरीम, मंजिल और मकाम की ताजीम और तकरीम, अल्लाह को विजन बनाए हुए और उसको मंजिल बनाए हुए अगर आप किसी भी किस्म की दुनियावी रिसोर्स से सुकून एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, एसओपीस को कॉम्प्रोमाइज करके, बंक्स करके कर लें, लेकिन उस ये जो चीज है ना जिसको आप करना चाह रहे हो, ये तो मार्जिनली यूटिलाइज हो जाएगी इकोनॉमिक्स के लॉ के अंदर। जितना खाएंगे उतना इसका मजा कम हो जाएगा। तो विजन होता है जो इंसान विजन के लिए मेहनत, विजन में एक्सीलेंस, जो इज्जतें दिलवाता है, जो नाम बनवाता है, जो आसमानों पे भी नाम बनाता है, दुनिया में बनाता है, जो मकसद ओरिएंटेड लोग होते हैं, जो विजन ओरिएंटेड लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई उनकी भूख होती है, उनमें कहीं सेल्फ एस्टीम होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कि उनको पता होता है कि यार हमने पहुंचना है और काफिले को लेके पहुंचना है और ट्रेन करना है, और बड़े कम वक्त के अंदर मैंने ज्यादा से ज्यादा और कम खर्चे में मैंने ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल करने हैं।